सत श्री अकाल सारे नूं, स्वागत है आप सब का तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल नोबल क्रिएटिविटीज ते। आपां नवीं सीरीज शुरू कीती है क्लास 11th फिजिक्स दी, जिसके उपर आपां पहला लैक्चर यूट्यूब ते अवेलेबल करवा चुके हैं। तुसीं जे पहला लैक्चर अजे मिस कर चुके हो या नहीं देखिया तां तुसीं जरूर देखियो। बेसिक नॉलेज लई ओह लैक्चर बहुत इंपोर्टेंट है, ताहीं आपां कंटिन्यू कर पावांगे। सो उसका लिंक तुहानूं आई बटन ते नीचे डिस्क्रिप्शन विच मिल जूगा। नवां लैक्चर, लैक्चर नंबर 2 शुरू करदे हां। क्लास 11 दी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एनसीईआरटी बुक नू नाल ओपन कर लो, कोई भी लाइन विचो जे मैं रीड कर रहा होवांगा तो वो एनसीईआरटी बुक दी ही होवेगी। मैं रेफरेंस इथे एनसीईआरटी बुक नू ही लेके चल रहा। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जे आपां गल करिए कि यूनिट की है, व्हाट इज यूनिट, आपां गल करते हैं अपने कोल फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी, जिवें मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का कुछ मास है, या मास नू आपां एक्सप्रेस करते हैं, तां यूनिट नू एक्सप्रेस करने लई आपां एक न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने लिए आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे यूनिट मेजर लिखते हैं, राइट। जिवें बॉडी का वेट है या मास है, बॉडी का मास कितना है 50 kg, तो केजी की यूनिट 50 की हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो मतलब यूनिट की है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना विद सर्टेन बेसिक, हुण जिहड़ी बेसिक है अपने कोल की होएगी एक आर्बिट्रेरली चूजन वैल्यू होएगी जिहड़ी कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होएगी। सो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन कॉमा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। कोई भी अपने कोल फिजिकल क्वांटिटी है उन्हों आपां एक्सप्रेस करते हैं किसी सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन, मतलब जो कि आर्बिट्रेरली चूज किए हैं इन वैल्यूज जिहड़ियां इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ने उन्हां नूं की बोलिया जांदा यूनिट। हुण ए वर्ड काफी बार कंफ्यूज कर देता कि आर्बिट्रेरली की है। आर्बिट्रेरली जे तुसीं गल करिए आपां कि आर्बिट्रेरी तां इंडिविजुअल दी अपनी मर्जी, इंडिविजुअल ऑन विश, इंडिविजुअल ने अपनी मर्जी नाल कोई वैल्यू या कोई स्पेसिफिक बेसिक क्वांटिटी चुनी, बट वो की होनी चाहिए है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होनी चाहिए है। मतलब अपने कोल जेडे यूनिट्स ने वो सारे की ने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ने, एंड कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स भी ने जिदा आप गल कर लईए कि पिंडा विच फुट यूज किया जाता है। आप जे हाइट किसी की दसनी हो फुट दसते हैं 5 foot 7 inch या इस तरह। तो जे आप फिजिक्स की लैंग्वेज गल करिए आप हाइट नूं सेंटीमीटर या मीटर च एक्सप्रेस करते हैं, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड की है सेंटीमीटर या मीटर, बट आप यूज की कर रहे हैं फुट, ठीक है। तो यह अपनी अपनी वैल्यू होगी आर्बिट्रेरली चूजन, बट जो आप फिजिक्स गल करेंगे जोड़ा यूनिट होएगा वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होएगा। हूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की गल करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की ने अपने कोल, अपने कोल बेसिक यूनिट केड़ा है, सब तो पहला एसआई यूनिट, फिर है सीजीएस यूनिट, ते एफपीएस यूनिट। एसआई यूनिट की आप अगर गल करिए तो अपने कोल कुछ बेस क्वांटिटीज ने जिन्हों आपां ऐसा यूनिट्स विच एक्सप्रेस करते हैं। बेस क्वांटिटीज की ने वो भी आपां स्टडी करांगे। अपने कोल 7 बेसिकली बेस क्वांटिटीज ने,
ਉਹਨਾਂ 7 ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਦਾ ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਏ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ 7 ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ। ਐਸਏ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੇਜੀ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਐਫਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਲੈਂਥ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਜੀਐਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਜੀਐਸ ਨੂੰ। ਐਸਏ ਯੂਨਿਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੀਜੀਐਸ ਤੋਂ ਐਸਆਈ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਐਸਆਈ ਟੂ ਸੀਜੀਐਸ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਟੋਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਐਸਆਈ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, 10th ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟਾਂਸ, amount of substance, then temperature, satma hai apne ko temperature, luminous intensity, jab aap gal kariye ki mass da aisa unit ki hai kg, length da apne ko hai meter, टाइम है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर है कैपिटल ए नाल डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नो अपन मोल में एक्सप्रेस करते हैं एमओएल लिखते हैं, टेंपरेचर केल्विन है के नाल रिप्रेजेंट करते हैं। तुसी डिग्री सेल्सियस या डिग्री फारेनहाइट भी पढ़ा होगा, बट ऐसा यूनिट की है केल्विन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी नाल रिप्रेजेंट करते हैं। ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਸਏ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ 7 ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਕੇਜੀ ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਥ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 2D ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੀਟਾ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਅਪੋਨ ਰੇਡੀਅਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ। ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ
या अपने को सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर है आप जो 3D विच गल कर रहे हैं वो जो एंगल बना रहा है उसका एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया टाइप वो जो एंगल बना रहा है उसको की बोला जाता है सॉलिड एंगल जिसको आप ओमेगा नाम रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा की है एरिया ऑफ आर्क अपॉन रेडियस द स्क्वायर। ठीक है ऐसे के अपने को 7 बेस क्वांटिटीज नाल अपने उन्होंने दो यूनिट्स आप स्टडी की थे अनद आप 7 बेस क्वांटिटीज तो है इना 7 यूनिट्स तो अलावा ये दो यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल के बारे स्टडी बहुत रेयर है आप करेंगे क्लास 11th लेवल पे अध्यक्ष क्लास 11th में आप प्लेन एंगल ऊपर काफी वर्क करेंगे। सो प्लेन एंगल विच स्टडी करते हैं कि प्लेन एंगल टॉपिक ही है प्लेन एंगल विच आप एंगल को किस विच मेजर करना है दस दिए कि ऐसा यूनिट है रेडियन इसका यूनिट है स्टी रेडियन। कंफ्यूज नहीं होना सॉलिडली स्टी रेडियन है प्लेनली रेडियन है रेडियन नु आर ए डी लिखा जाता है स्टी रेडियन नु एस आर लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। हुण एथे फिर कंफ्यूजन आया नहीं कि आपा ता एंगल नु डिग्री जी हमेशा मेजर कर रहे सीगे एथे सॉलिड एंगल एथे प्लेन एंगल नु रेडियन च क्यों मेजर कर रहे वो चीज होना आप स्टडी करते हैं क्योंकि इतने आप 7 बेस क्वांटिटीज अंदर ऐसे यूनिट पढ़े हैं एंड उन्हें 7 नु छट के दो यूनिट्स और आप स्टडी करने हैं रेडियन ते स्टी रेडियन मतलब एंगल नु भी डिग्री में छट के तो स्टडी नहीं करना। सो डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है अपने को प्लेन एंगल का जो आप यूनिट स्टडी किया रेडियन उस दिन स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद करने की कोशिश करे हो क्लास 11 दी मैथ च भी एक टॉपिक है बट फिजिक्स च भी है तो फिजिक्स च आपा नेक्स्ट टॉपिक जो आपा मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे उस दे विच बहुत यूजफुल रहेगा बट आपा उसको पहला इनु स्टडी कर लिए कि है कि देखिए एंगल प्लेन एंगल या एंगल या आपा बोलेंगे आपा स्टडी के दे च किता है डिग्री च बट कन्वर्जन च ऐसा यूनिट की बन गया रेडियन। सो याद रखिए रूल नंबर 1 360 डिग्री डिग्री की सिंबल आप होते ऐसा यूज करते हैं इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन रेडियन एथे आर ए डी में मैं लिख सकता आगे तो आर ए डी ही लिखाना। सो ए है रूल नंबर 1 याद रखना तो एथो की आ गया यूजिंग यूनिटरी मेथड जे आप यूनिटरी मेथड एथे लगांदे हां तो की आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई बाय 360 रेडियन। याद रखना आगे तो जे डिग्री नु रेडियन च कन्वर्ट करना होए ता इस तरह आपा कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन दे इक्वल है इसका मतलब जो आपा 30 डिग्री या 45 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आपा स्टडी किए होए ने उन्हें उन की लिखांगा 30 डिग्री टू पाई बाय 180 1 डिग्री पाई बाय 180 दे इक्वल है ता 30 डिग्री 30 टू पाई बाय 180 पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा सिमिलरली पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा राइट ये हो गया डिग्री नु रेडियन च कन्वर्ट करना। कुछ स्मॉलर यूनिट्स ने ओना दी विकल्प कर लेते हैं डिग्री तो अलावा अपने को एक यूनिट होता है मिनट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट इट इज मिनट ऑफ आर्क टाइम वाला मिनट नहीं है एंगल वाले मिनट की बात कर रहे हैं। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड द मतलब है 60 मिनट भी पाई बाय 180 रेडियन दे इक्वल है तो 1 मिनट विल बी पाई बाय 180 इनटू 60 रेडियन दे इक्वल होएगा। ये वैल्यू मैं याद रखने के लिए नहीं बोल रहा फिर भी तुसी कैलकुलेशन वाइज देख सकते हो ताकि एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 2.1 यही क्वेश्चन है कि 1 डिग्री किस दे इक्वल है रेडियन इज 1 मिनट किस दे इक्वल है रेडियन इज लास्ट है अपने को 1 मिनट 60 सेकंड्स ऑफ आर्क दे इक्वल भी हुंदा है याद रखियो 60 सेकंड ऑफ आर्क का मतलब 60 सेकंड भी यूनिटरी मेथड दे अकॉर्डिंग के दे इक्वल हो गया पाई बाय 180 बाय 60 रेडियन तब 1 सेकंड के दे इक्वल हो गया 4.85 10 रे पावर -6
रेडियन। ये वैल्यू मैं कहूंगा कि याद करने की कोशिश करे हो, अदरवाइज उसी इस तरह में लिख सकते हो रेडियन। बट कैसे अलाउड नहीं है, बट एक वैल्यू ना याद रखने की कोशिश करिए कि 1 सेकंड किस दे इक्वल है। नो डाउट कैसे अलाउड नहीं, तुम ये तो तक भी छोड़ दोगे तो हो सकता है टीचर नंबर पूरे ही दें, क्योंकि कैलकुलेटर तो बिना किन्नी कैलकुलेशन करोगे। बट एक वैल्यू जरूर याद रखिए हुण दे अपने लैक्चर 2 में आप तुम हज तक सिर्फ पहला रूल बोलिया याद करने ली एंड एक वैल्यू बोलिया याद रखने ली। सो ये सी अपना लैक्चर 2 सीरीज दा क्लास 11 दी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 दी शुरुआत हो चुकी है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। तुसी क्लास 11 दे विच जे स्टडी कर रहे हो तो तुहानू इस दी वैल्यू समझ आ रही होगी। तुसी जे स्कूल विच ये टॉपिक मिस कर चुके हो किसी भी रीजन करके कि ऑनलाइन क्लास मिस हो गई या किसी भी रीजन करके, या होर किसी भी यूट्यूब चैनल तो समझने की कोशिश कर रहे हो जे नहीं समझ आ रहा, उन्होंने नाल अपनी वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि ये आप लोकल लैंग्वेज है, सिर्फ आप लोकल पेपर लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हों का यह डाउट रहा कि पंजाबी में लैक्चर ना अवेलेबल नहीं या बुक कड़ी रैफर कर रहे हैं, इन्हें क्लीयरली पता नहीं लगता, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। सो आप सब अपनी सपोर्ट दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।